हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि सिंपलीफाई करो। अब इसको किस तरह से सिंपलीफाई करना है वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिंपलीफाई करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार हम और इसको लिख लेते हैं। तो -1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय -1/3 की पावर 5, एंड इसको हमने कर दिया है ब्रैकेट में बंद, माइनस, देन हमारे पास -1/3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -1/3 की पावर 2। अब देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर से, ठीक है। अब इसमें बोला ये है कि इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है, इसमें कुछ नहीं बताया क्या करना है। तो एक चीज़ बताइए, सिंपलीफाई करना है तो उसका मतलब क्या होता है कि इसको बेसिकली सॉल्व करके किसी एक नंबर में, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे टर्म में ये डिवाइडेड है, हमको सिर्फ एक टर्म इसको में कन्वर्ट कर देना है बस। और अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, तो सब में हमारा जो बेस है वो सेम है, -1/3, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले तो ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब एक यहाँ ब्रैकेट है ये वाला और एक यहाँ ब्रैकेट है, राइट। तो इन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बेस सेम है दोनों साइड, डिवाइड का साइन है तो हमें पता है क्या हो जाती हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। -1/3 की पावर हो जाएगी 8 -5, सिंपल। इन दोनों को हमने लिख लिया 8 -5। अब हम इसको अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस, सिंपली इसमें भी यही करेंगे। तो -1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 -2 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए, -1/3 की पावर अब क्या हो जाएगी, 8 -5 होता है हमारा नथिंग बट 3, -1/3 की पावर हो जाएगी हमारी 3, सिंपल। अब देखिए, यहाँ पर भी -1/3 है, यहाँ पर भी -1/3 की पावर 3 है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंबल क्या है, प्लस का, और यहाँ माइनस का, दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। देखिए, इसके अंदर मत देखिए, ये तो पूरा एक जैसा है, देखिए इन दोनों का, बट यहाँ इसके बाहर माइनस है और इसके बाहर प्लस का है, मतलब कोई साइन नहीं था यहाँ पर, तो मैंने अभी खुद से लगाया है सिंबल प्लस का, क्योंकि जहाँ पर कोई भी नंबर के साथ अगर कोई सिंबल साइन नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो देखिए, इतना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा था और आंसर क्या आया है, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस इतने ही आसान होते हैं, अगर आप उसको कामली सॉल्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।